ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ ऋषि कांसानी। टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इस लेक्चर से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। क्लियर है? ओके okay. आई थिंक बहुत छोटा रहा, कुछ आपको बड़ा लिखा जाए। विस्कोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी है एक्चुअल में है क्या चीज, उसका ओरिजिन कहाँ क्या है और कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल तौर पर अगर मैंने सॉलिड की बात की जाए, फर्स्ट सॉलिड एंड सेकेंड सॉलिड, इफ टू सॉलिड्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर लाइक दिस, अपर सॉलिड बॉटम सॉलिड फिक्स, अपर सॉलिड मूव, इफ टू सॉलिड मूव रिलेटिव टू ईच अदर देन एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन दिस। ओके, या ये कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है फ्रिक्शन के फॉर्म में इन केस ऑफ सॉलिड। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लूइड, इफ आई एम टेकिंग लिक्विड, यहां पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जब फ्लूइड फ्लो होगा। क्लियर है? एज्यूम करते हैं कि आप लोग, सभी लोग एज्यूम करिए कि फ्लूइड आपका लेयर बाय लेयर है। फ्लूइड्स क्या है? लेयर बाय लेयर है। तो फ्लूइड जब लेयर बाय लेयर एज्यूम करिए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड को एज्यूम करिए कि वो फ्लूइड है, और जो ब्रेड के ब्रेड आपका ब्रेड वन, ब्रेड टू, थ्री है, उसका एज्यूम करिए लेयर बाय लेयर, वन लेयर, टू लेयर, थ्री। अगर आप ब्रेड वन को आप मूव कराएंगे, ब्रेड वन को मूव करेंगे, फर्स्ट लेयर को मूव करेंगे, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है? और वो जो रेजिस्टेंस होगा वो किस फॉर्म में आएगा? विस्कोसिटी के फॉर्म में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जब फ्लूइड रिलेटिव मोशन करता है तो वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? ओके, विस्कोसिटी कब एक्टिवेट होता है? अगर स्टैटिक कंडीशन में लिक्विड तो वहां विस्कोसिटी एक्टिवेट नहीं होता है, प्रेजेंट है बट एक्टिवेट नहीं है। जब आपका फ्लूइड मूव करता है तब वहां पे विस्कोसिटी एक्टिवेट होता है। क्लियर है? जब मूविंग केस में आपका विस्कोसिटी प्रेजेंट रहेगा, स्टैटिक केस में प्रेजेंट है बट एक्टिवेट नहीं रहेगा वहां पे। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कैसे आपका फ्लूइड रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनेगा विस्कोसिटी केस में। अज्यूम करिए कि एक प्लेट है, डेट इज फिक्स्ड प्लेट एंड फ्लूइड इज कमिंग टूवर्ड्स प्लेट विद वेलोसिटी u इनफाइनाइट। क्लियर है? और हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू प्लेट। ओके, अब आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। एग्जाम्पल जैसे कि नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन क्या होता है? नो स्लिप कंडीशन के केस में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट लेयर होगा, ये जो हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा फ्लूइड का, जब इस सॉलिड के ऊपर आएगा, इस सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, तो उसका जो वेलोसिटी होगा, जो फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी होगी, इक्वल टू प्लेट वेलोसिटी या इक्वल टू सॉलिड प्लेट वेलोसिटी। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लेयर और कॉन्टेक्ट टू प्लेट
कॉन्टैक्ट टू प्लेट, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू प्लेट वेलोसिटी, या ये कह सकते हैं जो इसका फर्स्ट लेयर होगा उसकी, अगर ये इफ 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 सॉलिड प्लेट इज फिक्स्ड, या ये कह सकते हैं u प्लेट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑफ प्लेट इक्वल टू जीरो, देन फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूड, फर्स्ट लेयर दैट इज फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूड वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो, u1 इक्वल टू जीरो। अंडरस्टैंड, जो फ्लूड का फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो रहेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर, तो वहां बहुत डिटेल में उसको पढ़ा जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हम ही देखते हैं कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ हाइट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट लेयर वेलोसिटी जीरो, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एंड सो ऑन। लेयर के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, विस्कोसिटी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। क्लियर है? उसके बाद ये जो फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी जीरो है, वो किसकी वजह से जीरो है? वो सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड प्लेट की वजह से जीरो है। क्लियर है? क्योंकि वहां पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ लेयर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हुई है? जीरो हुई है। ओके, सेकंड लेयर व्हिच हैव सम वेलोसिटी, व्हिच हैव सम वेलोसिटी u2। क्लियर है? एंड थर्ड लेयर व्हिच हैव मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू u2, which have more velocity as compared to, because this layer not directly contact with plate, because this layer not directly contact with plate, is contact with the second layer, then plate layer, and again figure kaise banata hai uska main, okay। इस फिगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। एंड सेकंड लेयर वेलोसिटी, थर्ड लेयर वेलोसिटी, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर एंड सिक्स्थ लेयर एंड सो ऑन। वेलोसिटी जब हाइट के रिफरेंस में जा रहा है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रही है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसके बाद से यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इसके बाद यहाँ दो थ्योरी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, फर्स्ट विद इन लेयर एंड अपर लेयर, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। बॉटम लेयर पे क्या होगा? विस्कोसिटी अफेक्ट करेगा, एंड टॉप लेयर विस्कोसिटी क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए, अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल से क्रिएट कर रहे हैं हम लोग लाइक दिस, वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरह से आपका आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लेयर, ये टॉप लेयर वेलोसिटी है और इसके नीचे जो वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, और उस रिलेटिव मोशन में क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहेगा। वो किस फॉर्म में रहेगा? विस्कोसिटी के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो ये अगर अज्यूम करें वेलोसिटी u प्लस डेल्टा u, वेलोसिटी u, ओके, तो हम ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी हमारी आ रही है बिफोर प्लेट और प्लेट पे स्ट्राइक करने के बाद, इसका जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो मोमेंटम किसके से डिस्टर्ब हो रहा है? मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ आपके विस्कोसिटी की वजह से, मोमेंटम उसका डिस्टर्ब हो रहा। हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या है? जो व्हिच डिस्ट्रॉय द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी थ्योरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी, आप इसको देखेंगे, इसको बाद में लिखवा देंगे थ्योरी, अभी आप एक्सप्लेन देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी में क्या हुआ आपका? When applying a shear force on top layer, when applying a shear force on top layer, that
रिड्यूजेस द मोशन ऑफ बॉटम लेयर विद ड्यू टू विस्कोसिटी. ओके, इट्स मीन्स शियर स्ट्रेस, इट्स मीन्स शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. इफ डी वाई गैप बिटवीन टू लेयर्स डी वाई, ओके, देन मैथमेटिकली वी कैन राइट टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू, डी यू अपॉन डी वाई, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, शियर स्ट्रेन रेट. देन टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू. म्यू इज कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आप कुछ भी कह सकते हो, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलिए, विस्कोसिटी कहिए, सेम थिंग. ओके, तो आप लोगों को विस्कोसिटी समझ में आया. विस्कोसिटी देखिए, जैसे आप सॉलिड केस में क्या होता है कि जब दो सॉलिड मूव करते हैं रिलेटेड टू ईच अदर, तो वहां पे फ्रिक्शन अफेक्ट करता है उसके वेलोसिटी को. सिमिलरली फ्लूड के केस में क्या होता है, फ्लूड इन द फॉर्म ऑफ लेयर होता है. जब वो लेयर्स फ्लो करते हैं रिलेटेड टू ईच अदर, वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है. वो रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, वही रेजिस्टेंस आपका विस्कोसिटी कहलाता है. या हम ये कह सकते हैं जो फ्लूड के मोमेंटम को डिस्ट्रॉय करता है या रिड्यूस करता है वो क्या है, विस्कोसिटी है. क्लियर है? ओके, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए इसको. इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, विस्कोसिटी के यूनिट कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई. We can say that viscosity is defined as to produce a unit rate of shear strain, to produce a unit rate of shear strain, how much shear stress will applied. अगर आपको unit rate of shear strain produce करना है तो आपको कितना shear stress apply करना पड़ेगा. Clear है? अब देखिए इसके बाद से shear stress की unit क्या होगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डी यू की यूनिट क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. एंड डी वाई की यूनिट क्या होगा आपका, मीटर. तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ओके, तो यहां से मीटर मीटर कैंसिल आउट, कितना होगा ये, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल, पास्कल सेकेंड. विस्कोसिटी यूनिट क्या हो जाएगा आपका, पास्कल सेकेंड. एंड वन पास्कल इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये चीज आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि मैथमेटिकल जब एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पे आपका ये काम आएगा. क्लियर है? ये तो ये जो यूनिट है आपका वो कौन सी यूनिट है, ये आपकी है एसआई यूनिट,
सीजीएस यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ सीजीएस में क्या होगा आपका? फाइज। फाइज क्या होगा? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा आपका? ये फाइज। फाइज के केस में क्या होता है? वन फाइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। वन फाइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। क्लियर है? ओके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी, मैं आपको यहां बोर्ड नहीं लिख रहा हूं, बस समझा रहा हूं। अप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी कहां पे होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बफर प्लेट इन रेलवे। जब रेलवे ट्रेन को कहीं रोकना होता है तो लास्ट एंड पॉइंट पे बफर प्लेट लगा होता है, लाइक दिस। बफर प्लेट कैसे होता है? बफर प्लेट, जब ट्रेन यहां पे बैकवर्ड मोशन में आता है ट्रेन, तो बफर प्लेट क्या होता है? यहां पे लगा होता है और यहां पे फ्लूड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लूड प्रेजेंट। जब इस पे स्ट्राइक करता है बफर प्लेट भी क्या होता है? ये कांटेक्ट में आकर रिड्यूस होता है साइज का, सिंक्रोनाइज होता है, वी कैन से कंप्रेस्ड। तो यहां पे क्या होगा? विस्कोसिटी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसके इंपैक्ट फोर्स को वो एब्जॉर्ब करता है और विदाउट डैमेज ये आपका ये इजीली ये रुक जाता है ट्रेन। क्लियर है? बफर प्लेट में कर सकते हैं, अक्सर यहां पे यूज होता है। मैक्सिमम जगह आपका विस्कोसिटी प्रेजेंट होता है। ओके नेक्स्ट हेडिंग इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक, देखिए विस्कोसिटी आप जब भी बात करेंगे तो वो अक्सर वो डायनेमिक विस्कोसिटी के फॉर्म में रहेगा। एक अदर वर्ड आया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक्चुअली अगर मैं देखा जाए इसको सिंपल लैंग्वेज या लूजिंग मैनर लैंग्वेज में बोला जाए इसको क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू इट इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन डेंसिटी रो। डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन डेंसिटी रो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट इज दिस? डायनेमिक विस्कोसिटी मींस, डायनेमिक विस्कोसिटी मींस डैमेज द मोमेंटम ऑफ फ्लूड, डैमेज द मोमेंटम ऑफ फ्लूड या रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ फ्लूड ये कह सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? एक्चुअल में विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा? रिड्यूस द मोमेंटम मतलब आपकी स्पीड को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस द मोमेंटम या डैमेज द मोमेंटम। रिड्यूस द मोमेंटम, रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ फ्लूड, दैट इज रिड्यूस एंड दैट इज प्रोपोगेट्स द मोमेंटम, प्रोपोगेट्स या इंक्रीज द मोमेंटम। इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ फ्लूड बिकॉज डेंसिटी इज रिलेटेड विथ मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास। अगर आप मास से रिलेटेड है इट्स मीन्स इनर्शिया, वहां आप इनर्शिया प्रेजेंट हो, इनर्शिया प्रेजेंट है मीन्स प्रोपोगेट्स करेगा, मोमेंटम को प्रोपोगेट्स करेगा। ये रिड्यूस कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, दैट इज अ रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव टू द मोमेंटम। मोमेंटम यहां पे रिड्यूस और मोमेंटम, यहां पे इंक्रीज कर मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका एप्लीकेशन क्या, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए आया था क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब क्या है कि यहां पे जब हम मोशन के केस में आएगा यहां पे विस्कोसिटी अलग इफेक्ट करेगा, डेंसिटी अलग इफेक्ट करेगा। ओके ओके यूनिट क्या होगा इसका? आप इसको लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके
सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट एनीबडी? सीजीएस यूनिट क्या होगा? स्टोक। क्या होता है सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी? इज स्टोक। ओके, वन स्ट्रोक इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा हमारा? डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लगाते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लगाएंगे विस्कोसिटी के ऊपर। ओके, एज्यूम दैट टू प्लेट्स हियर, टॉप प्लेट्स एंड बॉटम प्लेट। बॉटम प्लेट इज फिक्स्ड एंड टॉप प्लेट्स अप्लाइंग ए शियर स्ट्रेस टॉ इक्वल टू 2 N/m². ओके, एंड मूविंग विद वेलोसिटी 5 m/s। Between the plates, fluids are present. Between the plates, fluids are present and which have thickness dy equal to 2 mm. Then find out viscosity of fluid. Then find out viscosity of विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए। वी नो डेट गिवेन डाटा, क्या क्या डाटा दिया हुआ है? सीयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू 2 N/m². वेलोसिटी du, या चेंज इन वेलोसिटी बोलिए या फाइनल वेलोसिटी बोलिए, du इज या u इक्वल टू 5 m/s। गैप बिटवीन टू प्लेट्स dy इक्वल टू 2 mm, प्लीज कन्वर्ट इन SI यूनिट। देन 2 N/-3 m। ओके, देन अप्लाइंग द फॉर्मूला अप्लाई करिए इसके ऊपर। फॉर्मूला क्या है हमारा? टाई इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, देन म्यू इक्वल टू tau upon du upon dy equal to tau is given 2 upon 5 into 2 × 10^-3। then solve kar isko, 0.8 × 10^-3 पास्कल सेकेंड। ओके, यहां से इसको साथ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंक्लाइंड प्लेन पे आएंगे।
या शाफ्ट और शाफ्ट रोटेट करेगा उस पर क्वेश्चन आएगा, या ये कह सकते हैं कि प्लेट दो प्लेट्स के बीच टू थ्री प्लेट्स रहेगा, वन प्लेट मूव करेगा उस पर क्वेश्चन आएगा। तो इस पर क्वेश्चन लोग आगे देखेंगे। ओके, तो उसको आज मैं समराइज कर रहा हूं क्या क्या आज हमने बताया आपको। हो गया, बंद कर दिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, विस्कोसिटी मींस आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, वेयर फर्स्ट टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर व्हेन मूव टू ईच अदर देन ए रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ विस्कोसिटी। ओके, या वी कैन से दैट विस्कोसिटी व्हिच आर डिस्ट्रॉय द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड। ओके, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी। आप इसका यूनिट देखे हैं। उसके बाद हमने देखा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक वर्ड वाइस वाइस काइनेमेटिक बिकॉज हियर इज द मोशन। मोशन के हम लोग क्या कहते हैं, इसको काइनेमेटिक नाम दिया गया। और ये जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जहां पर टेम्परेचर रिलेशन होता है, टेम्परेचर की रिलेशन होता है, वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि काइनेमेटिक के केस, काइनेमेटिक केस को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, काइनेमेटिक ज्यादा यूज होता है। ठीक है। और हाँ, विस्कोसिटी अगर आपका स्टैटिक फ्लूड है उसके में विस्कोसिटी एक्टिवेट नहीं रहेगा, ओनली एक्टिवेट रहेगा जब वो विस्कोसिटी आपका मोशन में रहेगा, तब वो विस्कोसिटी आपका एक्टिवेट रहता है। ओके, ओरिजिन ऑफ विस्कोसिटी आपको एक चीज बताता हूँ मैं। ओरिजिन ऑफ विस्कोसिटी कहने का, अगर मैं बात करूँ फ्लूड के केस में बात किया जाए, तो फ्लूड केस में लिक्विड है एंड गैस है। उस केस में आप कैसे देखेंगे, लिक्विड के केस में कैसे विस्कोसिटी को देखा जाता है और गैस केस में विस्कोसिटी कैसे देखा जाता है। लिक्विड केस में विस्कोसिटी आप लोगों को पता होगा कि फ्लूड के केस में क्या होता है कि दो फोर्स प्रेजेंट होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, कोहेसिव फोर्स एग्जाम्पल, लिक्विड सेम लिक्विड या लाइक मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, लाइक मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। और उसके बाद डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। मैं इस चौक से बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो किसका एग्जांपल है, एडहेसिव फोर्स का। आप कहीं पे दीवार पे पानी फेंकिए वो क्या हो जाता है, आपका स्टिक कर, वाटर पार्टिकल्स को स्टिक कर जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है, एडहेसिव फोर्स का। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ कोहेसिव फोर्स का, अगर आप किसी ग्लास ऑफ वाटर को नीचे गिराइए तो क्या होगा कि वो मूव करेगा कुछ दूर तक। ओके, बट आप कहीं मरकरी, या आप मरकरी एग्जाम्पल लेते हैं, मरकरी को आप नीचे गिराएंगे वो सर्किल फॉर्म में आ जाता है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है? तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एक मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पार्टिकल मूव करता है और मरकरी आपका क्या है, वो सर्किल फॉर्म में आता है। इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ओरिजिन ऑफ विस्कोसिटी भी क्या है, कोहेसिव फोर्स ही है। ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड हम लोग कोहेसिव फोर्स को प्रायोरिटी देते हैं। एक चीज और होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, वो हम लोग गैस केस में, हम लोग विस्कोसिटी गैस की केस बात करते हैं तो वहां हम लोग मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को प्रायोरिटी दी जाती है। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि रेशियो है डिस्ट्रॉय मोमेंटम का एंड प्रोपेगेट्स मोमेंटम का, इट्स मींस डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी, उनका रेशियो होता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आप सभी लोग कैसे लेके आइएगा उस पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके ओके, थैंक यू।